केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोरखपुर में टाउन हॉल स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में मीडिया से बात की। बात करते हुए अनुराग ठाकुर समाजवादी पार्टी पर लगातार हमला कर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा के आतंकवादियों से संबंध है, उनके प्रत्याशी लिस्ट में केवल जेल व बेल पाने वाले हैं। उन्होंने जनता से सपा को वोट न देने की अपील की, साथ ही नारा दिया कि जिसने राम भक्तों को भुना कर दो उनका ईवीएम सुना। मुजफ्फरनगर से मऊ तक के दंगे वालों को माफ नहीं साफ करने का काम किया है और विश्वास दिलाना चाहता हूं अगले 5 वर्षों में सफाई अभियान चलता रहेगा। चाहे नाहिद हसन हो, यूनिस खान हो, आजम खान हो, अब्दुल्ला आजम हो, अतीक अहमद या अतीक अंस मुख्तार अंसारी हो, इन सबका हर शाप ने देखा। और मैं तो एक बात कहूंगा आप सबसे, आप जितनी भी योजनाओं को देखोगे, हमारी अगली घोषणाएं या जो हमने किया है, इसमें एक बात निकलकर सबके सामने आती है, जाति धर्म से उठकर दिया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण, गरीब कल्याण। गरीबों के कल्याण के लिए ही मोदी जी योगी जी की सरकार समर्पित रही और आज आपको विश्वास दिलाता हूं अगले 5 वर्ष भी गरीबों के कल्याण के लिए ही ये सरकार समर्पित रहेगी। मुफ्त बस सेवा हो, स्कूटी हो, मुफ्त सिंचाई हो, या रसोई गैस के सिलेंडर हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, मुफ्त टीका हो, ये किसके लिए है? ये गरीब के लिए ही है। 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड महिला के लिए हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।